हेलो दोस्तों, आपने एक बड़ा टर्म यूज सुना होगा, कन्वर्जन। तो सर, आप हमें ये बताइए, ये कन्वर्जन क्या होता है, हम ये क्यों करते हैं? ये बहुत सुना है मैंने एडिटिंग वर्ल्ड में, पोस्ट प्रोडक्शन में कन्वर्जन हो रहा है, फुटेज कन्वर्ट हो रही है, क्यों करते हैं हम इसका इस्तेमाल? कन्वर्जन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कैमरे का जो कोडेक है, जो फॉर्मेट है, वो हमारा सॉफ्टवेयर रीड नहीं करता है, तो उसको हमको रेंडर करना पड़ता है। तो इसीलिए उसको कन्वर्जन कन्वर्ट करते हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर में रीड करें और हम उसको अच्छे से एडिट कर सकें, एकदम फ्लो के साथ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। क्योंकि अगर हम कैमरे का फॉर्मेट यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर में, दोनों का कोडेक जो है वो अलग होता है, तो वो मैच नहीं करता है, तो बार बार रेंडर करेगा सिस्टम, बार बार हैंग भी कर सकता है। क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड करता है 4K 6K भी हम एडिट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हाई होता है iMac में। तो इसीलिए कन्वर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जो सॉफ्टवेयर रीड कर सके उसके हिसाब से कन्वर्ट करके उस पर हम एडिट करते हैं। और फिर जब फाइनल आउटपुट लेना होता है, तो हम फिल्म को ग्रेडिंग में भेजते हैं। जितने भी हम कमर्शियल्स करते हैं, उसको हम ग्रेडिंग में भेजते हैं। तो ग्रेडिंग वाले कैमरे का जो फुटेज है, वो एडिट के फुटेज के साथ मैच करते हैं, तो वो हाई रेज आउटपुट निकलता है 4K या फिर 2K। तो उनके पास अलग सिस्टम होता है, अलग मशीन होता है पूरा का पूरा। तो उनके 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 साथ उनके वहाँ पे रीड हो सकता है, हमारे यहाँ पे रीड नहीं करेगा वो सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए कन्वर्जन करना इम्पोर्टेंट है ताकि हम उसको एडिट कर सकें एकदम फ्लो के साथ। ओके, तो मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कन्वर्जन हम इसलिए करते हैं ताकि हम एडिट सॉफ्टवेयर पे बहुत इजी तरीके से उसे एडिट कर सकें, एडिट हमारा स्मूथ हो सके, इस वजह से हम उसे कन्वर्जन करते हैं। हाँ, कन्वर्ट, क्योंकि वो रीड नहीं करेगा ना डेटा आपके सॉफ्टवेयर में, कैसे रीड करेगा? क्योंकि कैमरे का कोडेक अलग है, वो कोडेक जो प्लगइन है वो अलग है, और सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करें वो अलग है। तो इसीलिए, क्योंकि जो कैमरे का जो कोडेक है, जो प्लगइन है, वो अलग होता है, सिस्टम का जो प्लगइन कोडेक वो अलग होता है, दोनों मैच नहीं करेंगे, सिस्टम हैंग करेगा, या तो रीड नहीं करेगा ठीक से, एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हम आराम से एडिट कर सकें फ्लो के साथ, स्मूथली। तो इसीलिए कन्वर्ट कर लो, और फिर जब हमको फाइनल आउटपुट चाहिए होता है, तो हम ग्रेडिंग में भेजते हैं, जितने भी कमर्शियल ग्रेडिंग में भेजते हैं। ग्रेडिंग वाले वो रॉ फाइल को, जो कैमरे का फाइल है वो रॉ होता है, वो रॉ फाइल को एडिटेड के साथ मैच करके 4K या 2K आउटपुट निकालते हैं। उनके पास पूरा का पूरा सिस्टम होता है, उनके पास काफ़ी अपग्रेडेड मशीन्स होती हैं, क्योंकि उनका पोस्ट स्टूडियो का काम ही यही होता है सिर्फ, तो वो लोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ iMac पे हम इतना नहीं कर सकते, मशीन क्रैश हो सकता है, तो कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहा सर, कि हम जब भी हम कोई एडिट स्टार्ट करें, तो जिस भी सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल करने वाले हों, सबसे पहले उसका कन्वर्जन करते हैं, ताकि हम जब एडिट कर रहे हों तो हमारे फ्लो में, हमारे कंप्यूटर या सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम एक स्मूथ एडिट कर सकें, बेसिकली उसके लिए करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।